तो आप बोलेंगे डाइनिंग टेबल लाया तो अब क्या करना, डाइनिंग टेबल लाया है तो बेच दो, बेकार है वो, कुछ काम का नहीं है। अब बहुत लोग कहते हैं बेचने का दिल नहीं करता, तो मेरा एक सुझाव है उसका पांव काट दो, एकदम नीचे आ जाएगा। तो जैसे पाटा होता है ना लकड़ी का पाटा, वैसे डाइनिंग टेबल पे थाली रख के आप जमीन पे बैठ के खाना, उसका ये उपयोग हो सकता है। और मुझे तो ये बात कुछ समझ में नहीं आती, हमारा घर हम बनाते हैं, कितना महंगा जमीन है, बीड में एक स्क्वायर फीट जमीन की कीमत कितनी है? 500 रुपए। अब 500 रुपए स्क्वायर फीट की जमीन है, डाइनिंग टेबल अगर 10x10 की है, 100 स्क्वायर फीट जमीन आपने घेर रखी है, एक स्क्वायर फीट 500 रुपए की है, 100 स्क्वायर फीट 50,000 रुपए की जमीन आपने डाइनिंग टेबल के नीचे बेकार करके रखी हुई है, जो इस्तेमाल ही नहीं आ रही, और काम करने वाली बाई को भी त्रास होता है, झुक झुक के उसमें झाड़ू लगानी पड़ती है। क्यों लाए आप इसको, छोड़ दो, कुछ काम की नहीं, इसको निकालोगे घर से खाली जगह हो जाएगी, स्पेस खुल जाएगा, वो किसी दूसरे काम में आए। मैं आपको एक छोटी माहिती देना चाहता हूं कि घर के अंदर जितना खुला स्पेस होता है, दिल और दिमाग उतना ही खुला होता है, और के घर के अंदर जितनी चीजें घिचपिच होती है ना, स्पेस कम होता है, दिल दिमाग भी उतना ही छोटा होता है। ये जो आजकल फ्लैट सिस्टम चल गए ना, हम गांव से शहर में आ गए, तो गांव में तो बहुत बड़े घर में थे, अब शहर में आके छोटे फ्लैट में रहते हैं, तो हम दिल दिमाग से भी छोटे हो गए। शहर वाले दिल दिमाग में सबसे छोटे हैं, गांव वालों का दिल दिमाग बहुत बड़ा है, क्योंकि बड़े घर में रहते हैं, खुले घर में रहते हैं। तो घर को थोड़ा खुला रखिए, जबरदस्ती डाइनिंग टेबल सोफा सेट वगैरह वगैरह मत लाइए। तो आप बोलेंगे बैठेंगे कैसे, जमीन पे बैठिए, हर समय जमीन पे बैठेंगे गुड़गे का त्रास कभी नहीं होगा, हर समय जमीन पर बैठेंगे पेट बाहर जास्ती कभी नहीं आएगा, जमीन पे बैठ के खाना, जमीन पे सोना, जमीन पे ही सब करना, और अंत में जमीन पे ही मरना। ये कुर्सी मेज का चक्कर कम करिए। आगे बढ़ते हैं, और एक आगे का नियम सातवां नियम, सातवां नियम बहुत अच्छा है, सबके काम का है, कि जब आप जो भोजन करें दोपहरी जेवन नंतर, कुछ भी काम नहीं करना, आराम करना, दोपहरी जेवन नंतर काम नहीं करने का, आराम करने, कितना, कम से कम एक तास। आप बोलेंगे जो लोग घर में रहते हैं उनके लिए तो आसान है, और जो नौकरी पे जाते हैं वो क्या करेंगे? तो नौकरी पे जाने वालों के लिए मेरी विनंती है कि दोपहरी जेवन वो सकाड़ी करें, 9 बजे जाने से पहले नौकरी पे, 9 बजे खाना खाएं, 10 बजे तक विश्रांति लें, फिर ऑफिस जाएं। आप बोलेंगे ये क्यों? बात ऐसी है कि जब हम दोपहर को खाना खाते हैं ना, सूर्य का ताप बहुत तेज है, सूर्य के ताप से शरीर गर्म है, शरीर ज्यादा गर्म होने से ब्लड प्रेशर जास्ती है, और ब्लड प्रेशर जब जास्ती हो ना, तो काम नहीं करना चाहिए, विश्रांति लेनी चाहिए, आराम करना चाहिए। इसलिए दोपहरी जेवन नंतर विश्रांति लेना, और विश्रांति लेने का सबसे अच्छा तरीका है, ये जो डावा बाजू है ना, इस बाजू में सोना, इसको हम कहते हैं वाम कुक्षी, ये सबसे अच्छा तरीका। अब इसके आगे का नियम है आठवां, वो ये है कि रात्रि जेवन नंतर तुरंत नहीं सोना, काम करना, दोपहरी जेवन नंतर विश्रांति करना, रात्रि जेवन नंतर काम करना, 2 तास काम करना, उसके बाद ही विश्रांति लेना, क्योंकि रात्रि को क्या है, ब्लड प्रेशर लो है, क्योंकि चंद्रमा का प्रकाश है और वो शीतल है, और लो बीपी में आराम नहीं करना चाहिए, इसलिए रात्रि जीवन नंतर 2 तास काम करके फिर विश्रांति लेना। इसके आगे का नवा नियम है, जीवन में हमेशा सुखी रहेंगे, समृद्धशाली रहेंगे, कि आप खाना जो खाते हैं, भोजन जो करते हैं, उसमें 2 वस्तु एक साथ ऐसी नहीं खाना जो एक दूसरे के विपरीत है, जैसे दूध और दही साथ में नहीं खाना, तूप और मध
साथ में नहीं खाना, कांदा और दूध साथ में नहीं खाना, फणस और दूध साथ में नहीं खाना, खट्टा फल संतरा मौसमी द्राक्षी दूध के साथ नहीं खाना। इसी तरह से दही में मीट डाल के कभी नहीं खाना, दही में नमक नहीं डालना, गोड़ वस्तु डालना। क्यों नहीं डालना? दही में छोटे छोटे करोड़ों की संख्या में जीव रहते, वो जीव जीवित चाहिए हमको शरीर में, लेकिन जैसे ही आप मीट डालते हैं वो सब मर जाते हैं। तो मीट क्यों डाल के दही खाएंगे, वो दही काम का नहीं है शरीर, इसलिए दही में गोड़ वस्तु डाल के खाना। ऐसे ही ताक में मीट नहीं मिलाना, ताक भी गोड़ वस्तु के साथ खाना। तो आप बोलेंगे अगर दही का उपयोग सलाद बनाने में करते हैं, कोशंबरी बनाने में, तो गोड़ वस्तु का, मीट नहीं। दूध भी कभी मीट के साथ नहीं लेना, मीट की नमक की कोई वस्तु खा रहे हैं तो दूध नहीं पीना साथ में, एक तास अंतर रखना है। तो विरुद्ध वस्तुओं को कभी साथ में नहीं खाएंगे, जीवन में कभी बीमारी नहीं आएगी। और आखिरी छोटी सी माहिती, दसवां नियम है, वो ये है कि जब आप भोजन को बनाते हैं, भोजन को पकाते हैं स्वयं पाक घर में, तो जिस पात्र में, भांडे में आप भोजन रखते हैं, उस भांडे को हमेशा खुला रखना, खुले भांडे में भोजन बनाना, बंद में नहीं। क्यों? भोजन को बनते समय सूर्य का प्रकाश या पवन का स्पर्श होना बहुत जरूरी है, तो भांडा खुला रहेगा तभी होगा। मतलब सीधा सा है, प्रेशर कुकर में भोजन नहीं बनाना, क्योंकि वो बंद है, उसमें पवन का स्पर्श नहीं होता। और प्रेशर कुकर की एक और तकलीफ है कि वो एल्यूमिनियम का है, और एल्यूमिनियम दुनिया का सबसे खराब मेटल है भोजन बनाने के लिए और खाने के लिए। एल्यूमिनियम के भांडे में अगर भोजन बनाते हैं और खाते हैं, बहुत जल्दी टीबी होगा, ट्यूबरकुलोसिस, दमा, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा। इसलिए घर से प्रेशर कुकर का उपयोग आप कम करिए। तो फिर आप बोलेंगे कौन से भांडे लेके आए, माटी के भांडे लेके आइए, वो सबसे अच्छा है, सबसे सस्ता है, सबसे अच्छा है। माटी की हांडी आती है, उसमें आप दाल बना सकते हैं, भात पका सकते हैं, सब्जी पका सकते हैं। उसके दो फायदे हैं, एक तो 25 रुपए की है, बहुत सस्ती। दूसरा फायदा है, माटी जो है ना, इसमें कैल्शियम बहुत है, आयरन बहुत है, इसमें फास्फोरस बहुत है, शरीर को लगने वाले जितने भी सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो सब माटी में है। तो माटी का बनाया हुआ हांडी वो लाएंगे तो भारत के 1,50,00,000 कुम्हारों को रोजगार भी मिल जाएगा, और आपके शरीर को सूक्ष्म पोषक तत्व मिल जाएंगे। तो आप कोशिश करिए। तो आप बोलेंगे अभी कुमार हैं क्या, यहां बीड में है, मैं अभी आया तो देखा सड़क के किनारे वो माटी का बेचते हैं, कोई खरीदता नहीं क्योंकि सबके पास प्रेशर कुकर, सब फ्रिज में पानी रखते हैं, गाढ़ा भी अभी नहीं बिकता उनका। तो आप थोड़ा उनसे खरीदिए, उनकी रोजगारी चलेगी, आपका शरीर अच्छा रहेगा। और माटी के बर्तन अगर नहीं ला सकते, भांडे नहीं ला सकते, तो पीतल के लाना, पीतल, और वो भी नहीं आ सकता तो कांसा, सबसे अच्छा माटी, दूसरा पीतल, फिर कांसा, फिर सबसे अंत में स्टील, लोहा। एल्यूमिनियम बिल्कुल बंद, वो बिल्कुल काम का नहीं है। तो आपको मैंने 10 नियम बता दिए, इनका आप पालन करें। 11वां और आखिरी नियम एक बताना चाहता हूं कि अगर कभी बीमारी आ जाए, नहीं आए उसके लिए तो नियम बता दिए, आ जाए तो क्या करें। तो स्वयं पाक घर में बहुत औषध है, हमारा स्वयं पाक घर औषध भंडार है। सभी स्वयं पाक घर में लगभग 108 औषध है, जीरा है, धनिया है, ओवा है, अजवाइन है, आल है, अदरक है, तुड़स है, पुदीना है, कोतमरी है, ये सब औषध है। आपको माहिती नहीं है, बस समस्या इतनी है क्या क्या औषध हमारे स्वयं पाक घर में है। अगर किसी को गुड़गे का त्रास है, जिसको संधिवात कहते हैं, गुड़गे का त्रास, कमर का त्रास, कंधे का त्रास, हड्डियों के जोड़ों का त्रास, इसकी सबसे अच्छी औषध है
मेथी दाना आप जानते, छोटा छोटा पीला पीला, एक चम्मच मेथी दाना एक गिलास पानी में रात्रि को डाल देना, सकाड़ी अनुशापोटी, मेथी का दाना चबा के खाना और पानी भी पी जाना, तो गुड़गे का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द सब मिट जाएगा 2 से 3 महीने में। और इसी मेथी के दाने को खाके और एक फायदा है कि अगर आपका खून गाढ़ा हो गया ना, घट, जिसको डॉक्टर की भाषा में कहते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, उसकी भी सबसे अच्छी औषधि यही है मेथी का दाना। खाने का तरीका एक ही है, एक छोटा चम्मच मेथी दाना एक गिलास पानी में रात्रि को डाल दो, सुबह उठ के दाना चबा के खा लो, पानी पी लो। और इस मेथी दाने से क्या क्या रोग ठीक होते हैं, अगर हमारी आई को और ताई को यूट्रस के कोई भी रोग होते हैं गर्भाशय के, जैसे मासिक पाड़ी का त्रास, मासिक पाड़ी समय से नहीं आती, कभी आती है तो बहुत देर में आती है, कभी तो बहुत रक्त जाता है, कभी बिल्कुल रक्त नहीं आता, कभी बहुत पेट दर्द है, कभी बिल्कुल नहीं है, ये सारे जो मासिक पाड़ी के त्रास है ना, इसकी औषध है मेथी का दाना। और जब आई की उम्र 45-50 वर्ष होती है, मासिक पाड़ी बंद होती है, उस समय के सारे त्रास का औषध है मेथी का दाना। कोई आई को बच्चा उत्पन्न हुआ, बच्चा पैदा हुआ, और उस आई को बच्चा पैदा होते ही दूध आना चाहिए, लेकिन दूध नहीं आ रहा है, बहुत कम आ रहा है, तो उसकी सबसे अच्छी औषध है मेथी का दाना। मैं इस मेथी के दाने का उपयोग करके 60 से 70 बीमारियों का इलाज कर लेता हूं, और अपने घर में यह भरपूर है, सस्ती है, कीमत में क्वालिटी में बहुत अच्छी है। ऐसे ही अपने घर में बहुत अच्छी एक औषध है स्वयं पाक घर में, ओवा। ओवा को तवे में गर्म करके बाटली में भर के रखना, कभी भी पोट में गैस बनती है, एसिडिटी होती है, हाइपर एसिडिटी होती है, थोड़ा ओवा लेना, काला नमक मिला के चबा के खाना जीवन नंतर आधा चम्मच, 15-20 दिन में सब त्रास खत्म कर। और इसी ओवा को गर्म नहीं करना, गुड़ के साथ मिला के खाना, तो जिनको संडास अच्छे से नहीं होती, संडास के सारे त्रास उनको होते हैं, पोट अच्छे से साफ नहीं होता, कब्जियत रहती है, कोष्ठबद्धता, मलबद्धता, उसकी सबसे अच्छी औषध है ओवा और गुड़ मिला के खाना। ओवा और काला नमक मिला के खाएंगे तो एसिडिटी हाइपर एसिडिटी ठीक होगा, ओवा और गुड़ मिला के खाएंगे तो मलबद्धता, कोष्ठबद्धता, कॉन्स्टिपेशन सब ठीक होगा। ओवा एक ऐसी औषध है जो एक दिवस के बच्चे को भी दी जा सकती है, कोई साइड इफेक्ट नहीं। ऐसे ही अपने घर में एक बहुत अच्छी औषध है हड़द, गले का त्रास है, खोखला है, खांसी है, हड़द का दूध पी लो, हड़द को पानी में उबाल के पी लो। हड़द क्या क्या कर देती है, स्मरण शक्ति को बहुत तीव्र करती है हड़द, रक्त को एकदम शुद्ध करती है हड़द। हड़द नियमित रूप से दूध में कोई भी पिएगा, रंग एकदम गोरा हो जाएगा, एकदम साफ। रंग अच्छा करना है ना गोरा, हड़द से ही होता है और किसी से नहीं होता। और हड़द चोट पे लगा दो, औषध का काम है, चोट ठीक हो जाती है। हड़द कैंसर की सबसे अच्छी औषध है, कैंसर के मरीज को भी हड़द का उपयोग किया जाता है। कैसे, हड़द को गाय के मूत्र में उबालना, गाय का मूत्र लेना गोमूत्र, उसमें हड़द डाल के उबालना, फिर ठंडा करके पिलाना, आधा चम्मच हड़द और 1 कप गोमूत्र डाल के उबाल के आप पिलाना शुरू करो, गले का कैंसर, पोट का कैंसर, आहार नली का कैंसर बहुत लाभ होता है। ऐसे ही अपने स्वयं पाक घर में एक औषध है आल, अदरक, अद्भुत औषध है वो भी खोखले के लिए, गले की सफाई के लिए। और आल बहुत अच्छी औषध है शराब छुड़ाने के लिए, व्यसन मुक्त होने के लिए। जो लोग शराब पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, मावा खाते हैं, गुटखा खाते हैं, इनको अगर सब छोड़ना है, व्यसन मुक्त होना है, सबसे अच्छी औषध आल। क्या करना, आल के छोटे छोटे टुकड़े करना,
लींबू का रस मिलाना, थोड़ा नमक डाल के चूसना सुबह से शाम तक, और अगर वो चूसेंगे तो व्यसन मुक्त होते चले जाएंगे। अपने स्वयं पाक घर में एक बहुत अच्छी औषध है, दूधी भोपला। किसी को हृदय घात हुआ हो, किसी का ब्लड प्रेशर बहुत जास्ती हो, किसी को शक्कर का रोग हो गया हो, डायबिटीज हो गई हो, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो गया हो, सबकी औषध दूधी भोपला। दूधी भोपला निकालना, छिलका नहीं उतारना, सीधे रस निकालना। एक कप रस में कोथिंबरी का पत्ता, पुदीने का पत्ता, तुलसी का पत्ता, 10-10 पत्ते कोथिंबरी, तुलसी, पुदीना, चटनी बना के एक कप दूधी भोपले के रस में मिला के रोज सुबह अनुषा पोटी दे दें, 3 महीने में हृदय घात का सब त्रास मिटा देते, कोलेस्ट्रॉल सब खत्म हो जाता। बहुत अद्भुत है दूधी भोपला। ऐसी 108 औषध है स्वयं पाक घर में। अब मैं ज्यादा नहीं बता सकता क्योंकि मेरा समय पूरा हो गया, 9:05। मेरे तो व्याख्यान का समय 9 बजे तक था, 5 मिनट मैंने जास्ती लिया, आप इसके लिए मुझे माफ करेंगे। मैंने कोशिश ये की है आपको कि स्वदेशी चिकित्सा, देशी चिकित्सा जो स्वयं पाक घर के मदद से हो सकती है, और अपने जीवन में कुछ नियमों का पालन जो हम कर सकते हैं निरोगी होने के लिए, स्वस्थ होने के लिए। तो फायदा पता है क्या होता है, 1 वर्ष में भारत देश के लोग निरोगी हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं, तो क्या कर सकते हैं, 6.5 लाख करोड़ रुपए देश का बचा सकते हैं। और 6.5 लाख करोड़ रुपए से अगर सोना खरीदें तो महाराष्ट्र राज्य के एक एक गांव की सड़क सोने से बनती है। माने देश की गरीबी, भुखमरी, बेकारी सब मिटाने का आसान तरीका है स्वस्थ रहना, निरोगी रहना। तो हम सब स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, निरामय रहें, ऐसी भावना लेकर मैं आया, और इसी भावना से आपको मैंने सब माहिती दी। आपसे मेरी एक प्रार्थना है कि जो माहिती मैंने आपको दी वो आप दूसरों को दें, ताकि गली गली, गांव गांव ये जाए। मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा उद्देश्य है कि भारत के सभी नागरिक स्वस्थ हो जाए, निरोगी हो जाए, एक पैसा भी औषध में खर्च ना करना पड़े, और स्वस्थ होंगे तो सुखी होंगे, और सुखी होंगे तो दूसरों को सुख देंगे, दुखी होंगे तो दूसरों को दुख ही देंगे। जो दुखी है वो दुख बांटेगा, जो सुखी है वो सुख बांटेगा। तो हम सब सुखी बने, निरोगी बने। आप जानते हैं भारतीय संस्कृति में एक सूत्र वाक्य है, सर्वे भवन्तु सुखिने, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोगी हो, सबको अच्छा स्वस्थ शरीर मिले, तो ऐसी भावना हमारे संस्कृति में है, इसी भावना से मैं आपके पास आया। अब आप ये जरूर कह सकते हैं कि ये सब जो मैंने माहिती दी याद नहीं रहेगी, तो क्योंकि आजकल हमारी स्मरण शक्ति कम हुई है, याद शक्ति कम हुई है, तो इसके लिए क्या करें। तो इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि ये सारी माहिती, इसकी मैंने कुछ छोटी छोटी पुस्तक बनाई है, उसका कुछ नाम है स्वदेशी चिकित्सा, गंभीर रोगों की घरेलू चिकित्सा, ऐसी 6-7 पुस्तकें हैं, वो पीछे गेट पर है, मेरा एक कार्यकर्ता है यलप्पा गौड़ा, वो वहां पर है, आप ले सकते हैं। जो माहिती मैं दे रहा था उसकी एक CD बनाई है, 14 तास की MP3 है, वो CD में संपूर्ण माहिती है, तो CD ले सकते हैं, पुस्तक ले सकते हैं। किसी भी CD और पुस्तक पर मेरा कॉपीराइट नहीं है, सबको कॉपी करने का कंप्लीट राइट है। हाँ, अगर आपको CD अच्छी लगती है आप उसकी 1000 कॉपी बनाओ, 2000 कॉपी बनाओ, और सब नागरिकों को बांट दो, मैं कभी आपसे मुकदमा लड़ने नहीं आऊंगा। अगर आपको पुस्तक में माहिती अच्छी लगती है उस पुस्तक को छाप छाप के बांट दो, मुझे कोई त्रास नहीं, क्योंकि मैंने ये ज्ञान इकट्ठा किया है सबको देने के लिए, व्यापार के लिए नहीं, देने के लिए। अगर ये ज्ञान आपके पास आएगा आप किसी और को देंगे, वो किसी और को देगा, धीरे धीरे संपूर्ण देश निरोगी और स्वस्थ हो जाएगा। चलते चलते एक आखिरी माहिती कि जिंदगी में कभी भी आपको कोई बहुत भयंकर त्रास हो जाए और डॉक्टर आपको बोले 4-5 लाख रुपए लगेगा,
ऑपरेशन करा लो और आपके पास 4-5 लाख रुपए ना हो, उस स्थिति में आप मुझे एक फोन करना, मैं मेरा मोबाइल नंबर आपको दे देता हूं, कभी भी मैं आपकी मदद करूंगा, मुश्किल से 2-5-10 रुपए के खर्चे में आपकी बीमारी ठीक हो जाए, ऐसी मेरी कोशिश रहती है। मैं लोगों का इलाज करता हूं होम्योपैथी दवा से और स्वयं पाक घर की औषधियों से। मेरा यह सूत्र है बिना खर्चा इलाज होना, कम से कम खर्चे में या शून्य खर्चे में लोगों का इलाज होना। तो आपको कभी जरूरत पड़े तो आप फोन कर सकते हैं। मेरा फोन अक्सर व्यस्त रहता है क्योंकि आप जैसे लोगों की सेवा में मैं रहता हूं, तो एसएमएस करना ज्यादा अच्छा है। मेरा नंबर है 9422903599 9422903599। और जहां मैं रहता हूं वर्धा नगर में, वहां का मेरा घर का नंबर है 07152 07152 260041 260041। तो लैंडलाइन पे आप बात कर सकते हैं, मोबाइल पे, अगर मोबाइल व्यस्त है तो एसएमएस कर दीजिए, और आप चाहें तो खत लिखकर भी मुझसे माहिती ले सकते हैं। आपको कोई त्रास हो गया, औषध की माहिती नहीं है, आप एक 50 पैसे का पोस्ट कार्ड लिखिए। मेरा पता बहुत सरल है, राजीव दीक्षित, मुकाम पोस्ट सेवाग्राम, जिला वर्धा, राज्य महाराष्ट्र। राजीव दीक्षित, मुकाम पोस्ट सेवाग्राम, जिला वर्धा, राज्य महाराष्ट्र। पिन कोड है 442-102 442-102। मेरे पास एक प्रश्न आया है, तो प्रश्न ये है कि 18-20 साल की उम्र के लड़कों को ऐसा लगता है कि तबीयत अच्छी रखने के लिए गुटगुट, जाड़, अच्छे दिखने के लिए एलोपैथी गोलियां, इंजेक्शन लेनी चाहिए, इससे तबीयत अच्छी रहती है। उनकी ये गलतफहमी है और उसके शिकार हो रहे हैं, ऐसे लड़कों को मार्गदर्शन दीजिए। जो लोग भी इंजेक्शन लेकर तबीयत अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये बहुत जल्दी नपुंसकता में चले जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है क्या औषध दी जाती है, स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं, शरीर की सारी प्रतिरक्षा शक्ति खलास हो जाती है वो स्टीरॉइड से। इसलिए जो लड़के गोलियां खाते हैं, इंजेक्शन लेते हैं अच्छा दिखने के लिए, वो तुरंत बंद कर दें, तो आप बोलेंगे फिर क्या खाएं। सबसे अच्छी औषध बताता हूं अच्छा दिखने के लिए, तबीयत अच्छी रखने के लिए, चूना खाएं। चूना, चूना जानते हैं, पान में जो खाते हैं, रोज 1 ग्राम चूना गेहूं के दाने के बराबर ताक में मिलाकर खाना खाने के बाद पिए रोज, 2-3 महीने में इतनी अच्छी तबीयत हो जाएगी जो इंजेक्शन से भी नहीं हो सकती। हमारे पुराने जमाने के लोगों ने जीवनंतर पान खाने की जो परंपरा शुरू की ना, वो चूने के लिए, चूना खाना है तो पान पे लगा के खाते थे, और उनकी तबीयत और उनकी ताकत हमसे हमेशा ज्यादा रही है। तो बस इतना सा है, चूना खाइए, तबीयत बहुत अच्छी रहेगी, और केला खाइए, बहुत अच्छी तबीयत रहेगी, गुड़ और शेंगा खाइए, बहुत अच्छी तबीयत रहेगी, फुटाना और गुड़ खाइए, बहुत अच्छी तबीयत रहेगी। ये मत खाइए बूस्ट, हॉर्लिक्स, प्रोटीनएक्स, बॉर्नविटा, कॉम्प्लेन, मॉल्टोवा, इसमें कुछ नहीं है। हमने जब ये सबका परीक्षण कराया ना बूस्ट हॉर्लिक्स का, तो पता चला कि वो मूंगफली की खली है, शेंगा की खली, मतलब समझते, शेंग दाना है ना, उसका तेल निकाल लिया, तेल निकालने के बाद जो बच गया वो बूस्ट है। अगर बाजार से ये खरीदो 20 रुपए किलो का मिलता, बूस्ट 200 रुपए किलो है, लूट मार मची हुई है, आपको उल्लू बना रहे। इसलिए ये बूस्ट हॉर्लिक्स वगैरह मत खाइए, मत खिलाइए। क्या खिलाएं? शेंगा और गुड़, फुटाने और गुड़, केला और दूध, केला और दही, दही में थोड़ा सा चूना, ताक में थोड़ा सा चूना, तबीयत एकदम दुरुस्त, मस्त और अच्छी हो जाएगी। और इसी के साथ, और अच्छी तबीयत करनी है ना, तो जीवन नंतर 1 चम्मच तिल चबा के खाइए। तिल है ना, तिल, एक तो काला तिल है, काला तिल मिलेगा तो सबसे अच्छा,
जीवन नंतर एक चम्मच काला तिल चबा चबा के खाइए, दिन में एक ही बार खाइए, जिंदगी भर तबीयत मस्त रहेगी, आप कोई त्रास नहीं आने वाला। ठीक है, अभी मैं तो ऐसे बोलता जाऊंगा ये चलता जाएगा, क्योंकि ये खजाना बहुत बड़ा है। अभी आप सबसे मैं विदा लेना चाहता हूं, आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, आपने बड़े शांति से सुना, और दूसरों को अगर ये माहिती देंगे तो मैं और भी आपका आभारी रहूंगा। जिनको सीडी पुस्तक चाहिए वो पीछे जाकर ले सकते हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद। 2 मिनिट। मी रविंद्रजी वानखेडे साहेब यांना राजीवजी दीक्षित यांचा सत्कार करण्यासाठी मंचावर पाचारण करते। वानखेडे साहेब, यानंतर या ठिकाणी दीक्षित जी वानखेडे साहेबांचा सत्कार करतील। दीक्षित जी वानखेडे साहेबांचा सत्कार करतायत। यानंतर सुशील जी खटोड, गौतम जी खटोड यांना मी व्यासपीठावर निमंत्रित करते। प्रतिष्ठानचे प्रमुख आधारस्तंभ असणारे, प्रमुख मार्गदर्शक असणारे रवींद्रजी वानखेडे साहेब यांचा सत्कार राजीवजी दीक्षित करतायत। टाळ्यांच्या गजरात आपण त्यांचं स्वागत करूया। सगळ्यांनी जागेवर बसायचं। यानंतर लगेचच या ठिकाणी सिंधुताई सपकाळ यांचं आईच्या विषयीचं असणारे व्याख्यान आपल्याला ऐकायला मिळणार आहे, अत्यंत सुंदर, तेव्हा कुणीही जागा सोडू नये। यानंतर सुशीलजी खटोड हेही सत्कार करतील।